हाय, आई एम डॉक्टर विकास सिंगला। आज हम पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या है। पैंक्रियाटिक कैंसर का मतलब है कि पैंक्रियास के अंदर गांठ या कैंसर का बन जाना। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, या जो लोग ओबीस हैं या जिनको डायबिटीज़ है उनको भी पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है, ऐसे लोगों को भी पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो पैंक्रियाटिक कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? पैंक्रियाटिक कैंसर का सबसे मेन सिम्टम है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। ये दर्द काफ़ी तेज होता है और रात को नींद भी डिस्टर्ब करता है। ये दर्द पीछे कमर में भी जा सकता है। कुछ लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर होने से पित्त की नली के ऊपर कंप्रेशन हो जाता है, जिससे कि पित्त की नली में रुकावट हो जाती है। ऐसे लोगों को पीलिया हो सकता है। इसके अलावा मरीज को भूख काफ़ी कम लगती है, फूड इंटेक कम हो जाता है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है। यदि कोई डायबिटिक है तो पैंक्रियाटिक कैंसर होने के बाद ब्लड शुगर और भी बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, हम पैंक्रियाटिक कैंसर को कैसे डायग्नोस करते हैं? पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC लीवर फंक्शन टेस्ट और ट्यूमर मार्कर CA19-9 करते हैं। उसके बाद हम इमेजिंग जैसे अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन या MRI करवाते हैं। CT स्कैन के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पैंक्रियाटिक कैंसर को कन्फर्म कर सकते हैं। यदि फिर भी अंदेशा रहता है तो हम US गाइडेड FNA से भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। US गाइडेड FNAC एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है। इसके दौरान हम मुंह में स्कोप डालते हैं, ट्यूमर को देखते हैं, इसकी स्टेजिंग करते हैं और निडल एस्पिरेशन करते हैं, जिसे हम FNA बोलते हैं। इसका रिजल्ट हमें 24 घंटे में मिल जाता है। तो US FNA से ट्यूमर को कंफर्म करने के बाद हम इसको ट्रीट करते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पर डिपेंड करता है। यदि मरीज हमारे पास बहुत अर्ली स्टेज में आ जाता है और ट्यूमर फैला नहीं है, इसने आसपास की नसों को इन्वॉल्व नहीं किया है या शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैला है, इसे हम अर्ली पैंक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी है, जिसे हम विपल सर्जरी बोलते हैं। यदि ट्यूमर आसपास की नसों में फैल गया है तो ऐसे मरीजों को हम कीमोथेरेपी देते हैं, और यदि जॉन्डिस है तो स्टेंट डालकर जॉन्डिस को कम करते हैं। कीमोथेरेपी के बाद अगर ट्यूमर श्रिंक हो गया है तो इसकी हम सर्जरी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ मरीजों में पैंक्रियाटिक कैंसर ऑलरेडी बाकी हिस्सों में फैल चुका होता है। जब मरीज हमारे पास आता है, या तो ट्यूमर लंग्स में फैल गया है या लीवर में फैल गया है, तो ऐसे मरीजों में पहले हम जॉन्डिस कम करने के लिए CBD में या पित्त की नली में स्टेंट डालते हैं। मोस्टली हम मेटल स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर मरीज को पेन है तो हम US गाइडेड CPN बोलते हैं। US गाइडेड CPN के दौरान हम पेनक्रियास की नर्व के चारों तरफ इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि मरीज का पेन कम हो जाता है। इसके बाद हम अगर मरीज सहन कर सकता है तो हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं। कीमोथेरेपी से भी मरीज का सर्वाइवल हम बढ़ा सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर का एक नया इलाज है US गाइडेड RFA, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। यदि मरीज पुअर सर्जिकल कैंडिडेट है और सर्जन उसकी सर्जरी के लिए मना करता है, तो ऐसे मरीजों में हम US के द्वारा पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर एक कैथेटर डालते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से हम इस कैंसर की सिकाई करते हैं। इससे भी हम मरीज का सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका क्या इलाज है। यदि किसी की फैमिली में या फ्रेंड को पैंक्रियाटिक कैंसर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर स्टेजिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।